युवा नेता है। अभी भाषण सीख रहे हैं। ऐसे करते तो वो भी ऐसे करते। जब से उन्होंने बोलना सीखा है और बोलना शुरू किया है, मेरी खुशी का कोई पार नहीं है। ९ में पता ही नहीं चलता था कि भाई इस पैकेट के अंदर क्या है, पता ही नहीं चलता था। अब पता चल रहा है कि भाई ये है ये नहीं। न बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता था और देश को इतना बड़ा भूकंप झेलना पड़ता, ये देश 10 साल तक उभर नहीं सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि बोलना शुरू हो गया तो पता चल रहा है भूकंप की संभावना बची नहीं, क्योंकि तो देश की जनता समझ गई। जी इन्होंने बड़ा मजेदार कहा, उन्होंने कहा जिस देश में 60% लोग अनपढ़ हो वहां मोदी ऑनलाइन बैंकिंग की बात कैसे कर सकता है? मुझे बताइए साहब, कोई पढ़ा लिखा था क्या? मैंने कोई जादू टोना किया कि वो अनपढ़ हो गया? ये 60% अनपढ़ थे, ये रिपोर्ट कार्ड आपने किसका दिया जी, जरा बताओ तो। ये क्या कर रहे हैं उनको भी समझ नहीं है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, जब मैं कह रहा हूं ना भाई समय की मांग है, बदलाव आना चाहिए। अब एक जमाना था चांदी का रुपया होता था वही करेंसी में चलता था, वक्त बदलते बदलते कागज का आ गया। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब वक्त बदल रहा है तो टेक्नोलॉजी से ऑनलाइन बैंकिंग हो रहा है, आपके मोबाइल फोन में ही आपकी बैंक है। तो मैं जब कह रहा हूं कि भाई अब बिना जेब में नोटों के थप्पे भरे बिना भी काम हो सकता है, तो भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और लोगों को लगता है कि मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, फाइनेंस हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि 1970-72 से वो देश की अर्थव्यवस्था की कोर टीम में हमेशा रहे हैं। इतने लंबे सर तक और इतने साफ कुशलता देखो, कोई दाग उन पर नहीं लगता है, होता सब है। उन्होंने भी ऐसा कहा, जब मैं कैशलेस की बात करता हूं, उन्होंने कहा कि जिस देश में 50% लोग गरीब हो वहां ये टेक्नोलॉजी वगैरह कैसे हो सकता है? अब मुझे बताओ भाई, ये वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं कि मेरा दे रहे हैं? ये 50% गरीबी ये विरासत किसकी मैं झेल रहा हूं जी? मनमोहन सिंह जी आप विरोध करें, करें करें कोई बात नहीं, आप पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम गंभीरता से लेते हैं आपकी बात को, लेकिन आप अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं ये मुझे खुशी हो रही है। उनके एक दूसरे महानुभाव जो देश के वित्त मंत्री रहे, वो लेख भी लिखते हैं, सुमन चिदम्बरम जी, उन्होंने कहा कि हमारे देश में 50% गांवों में अभी भी बिजली नहीं है तो कैशलेस कैसे करोगे? अब बताइए साहब, कहीं पर बिजली थी किसी गांव में? मैंने आकर के खंभा उखाड़ दिएगा। क्या मैंने आकर के तार साड़ दिया क्या?
मतलब चिदम्बर जी 2014 में तो आप कहते थे कि हमने इतना विकास किया है काशी में मोदी की जमानत जब्त होनी चाहिए। अब कहते हैं 50% गांव अंधेरे में डूबे पड़े हैं। ये मोदी का विरोध करने में, ये देखिए साहब, ये काशी का बच्चा है,